लास्ट टाइम हमने इलास्टिसिटी की कुछ टाइप्स की थी, एंड इलास्टिसिटी की टाइप्स में हमने कुछ कैंटिलीवर का कुछ मैंने बताया होगा लास्ट, और मैंने बताया था कि जो कैंटिलीवर है, जो कैंटिलीवर वाला क्वेश्चन था, एक एंड क्लैम्प्ड है, वेट W लगा दिया, प्लीज बात करना बंद करो, वेट W लगा दिया, क्लैम्प्ड है, तो ये जो रूफ है या जो भी मटेरियल है ये बेंड हो जाएगा, और कितना बेंड होगा बाय अमाउंट डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला मैंने नोट करवाया था, डब्ल्यू एल क्यूब 3YIG, फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं, आप भी याद मत करो, एक चीज याद करो कि जो भी ये डेल्टा होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, जितना ज्यादा वाई होगा मटेरियल का उतना ही ये डेल्टा कम होगा, जितना वाई कम होगा डेल्टा उतना ही ज्यादा होगा, बस इतना सा याद करना और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में भी गिवन है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक वायर है और ये इसका मिड पॉइंट है, सच दैट हाफ ऑफ पोर्शन की जो लेंथ है वो कितनी है L, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी है 2L। सपोज मैंने मिड पॉइंट पे एक वेट लगा दिया W, जिस वजह से क्या हुआ, ये वायर बेंड हो गई बीच में से, और कैसे बेंड हो गई, ये जो वायर है उसकी शेप ऐसे बन गई, पहले सीधी थी अब वी शेप हो गई, बड़ी हो गई ऑब्वियसली। तो अगर ये डी डिस्टेंस नीचे आ गई तो उस केस में ये लेंथ कितनी होगी एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये लेंथ भी कितनी होगी एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ज्यादा क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को इसमें? अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में आपसे स्ट्रेस पूछूं तो स्ट्रेस तो मुझे मालूम है फोर्स बाय एरिया, और मान लो कि ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, मींस ए वायर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर ए, तो फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, वेट डिवाइडेड बाय ए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं निकालता हूं इसमें स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, स्ट्रेन मींस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब एल का मतलब होता है ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, लेकिन मेरी ओरिजिनल लेंथ वायर की कितनी है 2L, समझ आएगा, L नहीं आएगा, ओरिजिनल लेंथ इस केस में क्या आएगी 2L, ठीक, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ वायर की कितनी है 2L। तो ये मत याद करो कि L ही पुट करना है, अगर टोटल लेंथ ही 2L है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2L ही आएगा। ठीक, डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये नई लेंथ है पूरी की पूरी, माइनस 2L। देखो ना नई लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, यानी कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस करना है 2L, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? तो जब डेल्टा एल लेना समझ आ रहा है इसमें कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? इट मींस कि डेल्टा एल की जगह मैं जो मैंने यहां निकाला वो एज इट इज पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेन मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रेन की वैल्यू आएगी 2 एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एल, ये मेरा स्ट्रेन है, डिवाइडेड बाय 2L, ठीक है ना। इसमें से काम करो 2 इंटू इसमें से L को कॉमन निकाल लो अंडर रूट में से, तो क्या बचा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 2L डिवाइडेड बाय 2L, कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैंने कॉमन निकाल लिया, किसको कॉमन निकाल लिया, एल स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंडर रूट है तो एल बार आ गया। एनी डाउट? फाइनली 2l इसमें से कॉमन निकालोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो इन दी एंड क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 1। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? 2l कॉमन निकाल के ऊपर और नीचे से कैंसिल कर दिया तो ये टर्म बच गई आपके पास। और लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, कोई बताएगा? बाइनोमियल। अब तो अंदर से आवाज आ जाती है, हाँ बाइनोमियल का टाइम आ गया। तो बाइनोमियल लग सकता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर, हाफ इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि स्ट्रीम कैसे निकाला? अपना आंसर को यहां वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी बुक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एल स्क्वायर के बने, यही तक किया हुआ है। तो इसलिए आपको करके दिखा रहा हूं कि जब आप घर में ऑब्जेक्टिव बुक क्वेश्चंस जो लोग करते हैं एक दो वो करें तो वो ऐसे ऐसे करके दिखाएगा आपको। पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? ठीक, लास्ट टाइम मैंने वो करवा दिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, नहीं वायर को गर्म करेंगे। नेक्स्ट, आपके दूसरे बैच में एक शायद एक क्वेश्चन ज्यादा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और सुन लो। रिपीट में क्वेश्चन आएगा, रादर क्वेश्चन सॉल्व बाद में करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जो कि हम करेंगे अभी नहीं, पर इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है क्योंकि जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको उस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स तो स्टार्ट नहीं हुआ, उसका तो टाइम है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, बताऊं क्या? देखो क्या, अगर मान लो ये एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, थर्मो में हीट का इफेक्ट है और हीट के इफेक्ट कि अगर सपोज मैं किसी भी चीज को गर्म करूं तो वो चीज क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं बाय टी डिग्री सेल्सियस तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होके एल से कितनी होगी, एल डैश। ठीक है यहां तक? चेंज इन लेंथ कितनी है, डेल्टा एल, एल डैश माइनस एल। ठीक है यहां तक? थर्मो का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो ये चेंज इन लेंथ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एल। इसका मतलब समझ आ गया? इसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल लेंथ आपकी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर लंबी वायर है, तो इंक्रीज इन लेंथ भी मीटर्स में होगी, गर्मियों में जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मीटर्स में लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल लेंथ ही 1 सेंटीमीटर ली तो फिर आपकी वायर 1 सेंटीमीटर की है तो समझो डेल्टा एल भी फिर एमएम में ही होगा या सेंटीमीटर में ही हो सकता है, मीटर या किलोमीटर में नहीं हो सकता। ठीक लिखा ना? तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। टी डिग्री सेल्सियस, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है यहां तक? टेम्परेचर ज्यादा डेल्टा एल ज्यादा, टेम्परेचर कम डेल्टा एल। कोई डाउट इसमें? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं प्रोपोर्शनल टू एल इंटू टी डिग्री सेल्सियस। ठीक, लेकिन याद रहे एक और चीज पे डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड, और वो क्या, मटेरियल ऑफ वायर। गोल्ड की तार है ज्यादा बड़ी होगी, कॉपर की तार है कम बड़ी होगी। तो कहने का मतलब है कि ठीक है करता ही करता है, साथ में एक और चीज पे डिपेंड करता है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये तो डिपेंड करेगा करेगा। तो यहां कांस्टेंट आएगा ये ना, और इस कांस्टेंट
का सिंबल क्या होता है, अल्फा, और अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। Coefficient of linear expansion, or it all depends upon material of wire. तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल टी डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा एल का मतलब एल डैश माइनस एल, या शायद जरूरत ही नहीं है करने की, डेल्टा एल आ गया यहाँ तक सफिशियंट है। ठीक, तो सोचो इस वायर में जो गर्मी से बड़ी हो रही है, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बड़ी हो रही है, अगर मैं इसका स्ट्रेन निकालूं, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, तो स्ट्रेन में एल तो एल रहेगा ओरिजिनल लेंथ, लेकिन डेल्टा एल की जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फा इनटू एल इनटू टी डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ तो एल थी, और डेल्टा एल की वैल्यू मैंने कहां से निकाली, थर्मो डायनेमिक्स से। यहां पर क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि ऐसा आपकी बुक्स यूज करती हैं। क्वेश्चन ये है, एक रॉड है जिसकी लेंथ ए है, एल है, एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। सो हीट की वजह से वायर की लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। आपको बताना है वर्क डन की वैल्यू कितनी हुई। ये वर्क डन मैं नहीं कर रहा हूं खींचने में, ये वर्क डन कौन कर रही है, हीट एनर्जी कर रही है। तो हीट ने वायर को लंबा कर दिया, बड़ा कर दिया, कितना कितनी एनर्जी लगाई हीट ने, वो निकालना है। यहां पर क्लियर है, चाहे मैं खींचूं, चाहे हीट खींचे, कोई खींचे, जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या होगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लेकिन ये वर्क डन ही है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है। और अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो ये मत यूज करो, फिर आप यूज करो हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, ये ज्यादा बेटर है। कितनी फोर्स लगी इंटू कितना इंक्रीज इन लेंथ है, ये वर्क डन है। कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है? गया था, तो अब वर्क डन हाफ एफ डेल्टा एल, फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में फोर्स तो गिवन नहीं, पर क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस तो गिवन ही है ना, यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एफ निकाल लो, एफ आएगा वाई ए डेल्टा एल एल। ठीक है, यहां तक इस एफ की जगह यहां पुट कर दो हाफ वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा एल तो यहां पे चल ही रहा है। यहां तो क्लियर है, और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमने अल्फा बीच में लेके आना है, राइज इन टेम्परेचर भी लेके आना है, तो मैंने अभी दो मिनट पहले आपको डेल्टा एल लिखना सिखाया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, क्या लिखना सिखाया, कितना अल्फा इंटू एल इंटू टी डिग्री सेल्सियस, इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर आंसर, बस ये आंसर है। पॉइंट क्लियर है, बस कुछ नहीं करना, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन वही है जो प्रॉपर्टीज का करते हैं, इलास्टिसिटी का, सिर्फ डेल्टा एल को कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें?
سمجھ آ رہی ہے بات ساری؟ نیکسٹ کوشچن کرنے سے پہلے پھر ایک چیز سیکھتے ہیں. دیکھو یہ سارے کوشچن اس لیے سالو نہیں ہوں گے بکس میں کیونکہ آپ کو ریلیٹڈ تھیوری نہیں معلوم اس کی. آگے والے چیپٹر میں سے کوشچن بنائے ہوئے ہیں تو کافی کوشچن اس لیے سالو نہیں ہوں گے. میں چاہتا نہیں ہوں کہ ہم یہ کریں گے چل جب بعد میں جب بات آئے گی تو کر لیں گے. یہ پہلے کہتا تھا اسپرنگ کے کیس میں کہتا تھا کہ چل بعد میں کر لیں گے کیونکہ اسپرنگ نے بھی آنا ہے ایس ایچ ایم میں اور پراپرٹیز نے مڑ کے نہیں آنا ڈیڑھ سال. تو ابھی کہ ابھی جو ختم ہو گیا وہ ہو گیا, جو رہ گیا وہ رہ گیا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا بتا کے آپ کو یہ کور سارا کر دوں. تبھی اس کو کرنے سے پہلے اب ایک ایس ایچ ایم کا کانسیپٹ ہے. ایس ایچ ایم جب میں بولتا ہوں نا تو پلیز آپ کو لگتا ہوگا پتا نہیں کس دنیا کی بات ہو رہی ہے. ایس ایچ ایم سمپل ہارمونک موشن پتا نہیں کیا ہوتی ہوں گی, آپ کنفیوز مت ہوئے پلیز. سمپل ہارمونک موشن آج کی ڈیٹ میں آپ کو ڈیٹیل میں تو بتا نہیں سکتا. ہاں ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ سمپل ہارمونک موشن آر پیریوڈک موشن. نہیں تو آپ کنفیوز ہوتے رہو گے پتا نہیں کون سی موشن ہے. پیریوڈک موشن سمجھتے ہو جو ایک ٹائم کے بعد اپنی موشن کو کیا کرتی ہے ریپیٹ. میں گیا اور ایک دیوار کو ٹچ کر کے واپس آیا, ٹائم ٹیکن ٹو سیکنڈ. میں گیا دیوار کو ٹچ کر کے پھر واپس آیا, ٹائم ٹیکن ٹو سیکنڈ. میں ہر بار جاتا ہوں آتا ہوں, ٹائم ٹیکن ٹو سیکنڈ. تو میری موشن از اے پیریوڈک موشن. ٹھیک, تو آج کی ڈیٹ میں سمپل ہارمونک موشن ورڈ نہیں یوز کریں گے ہم, پیریوڈک موشن یوز کریں گے. تو میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ اگر ایک اسپرنگ ہے, ایک اسپرنگ ہے اور یہ جو اسپرنگ ہے اس کے یہ کنیکٹڈ ہے گراؤنڈ کے ساتھ اور یہاں پر ایک پین ہے, پین کوئی بھی کنٹینر, پین کا ماس نہیں ہے اسپرنگ کا ماس نہیں ہے دونوں کا ماس نہیں ہے. اور اس کے اوپر اگر میں ایک بلاک رکھوں ایم ماس کا اور اسپرنگ کا کانسٹنٹ کے ہے, تو اگر میں اس کو پین کو دبا دوں نیچے کی طرف تھوڑا سا تو یہ پین نیچے جائے گا, پھر یہ پین تھوڑا اوپر آئے گا, پھر نیچے جائے گا, پھر اوپر آئے گا, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے یہاں تک؟ تو پہلے یہ نیچے آیا, پھر یہ اوپر گیا, پھر یہ نیچے آیا, پھر یہ اوپر گیا. مان لو انرجی لاس نہیں ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ان دو پوائنٹس کے بیچ میں موو کرتا رہے گا. ٹھیک, تو جو آپ کا پین نیچے گیا تھا یہاں سے نیچے گیا, پھر گھوم کے اوپر آیا, پھر گھوم کے واپس آیا, جہاں سے چلا تھا گھوم کے واپس آیا, let's say time taken is capital T, let's say time taken is capital T. ٹھیک, پھر آپ نے کیونکہ رکے گا تو ہے نہیں, سیکنڈ ٹائم پھر یہاں سے چلا نیچے گیا سب سے اوپر گیا پھر واپس آیا, ایک چکر پورا ہو گیا. ٹائم ٹیکن از اگین کیپیٹل ٹی, پھر نیچے گیا پھر ٹاپ پہ گیا پھر واپس آ گیا, ٹائم ٹیکن از اگین کیپیٹل ٹی. کیونکہ انرجی لاس تو ہے نہیں تو ہر چکر کا ٹائم پیریڈ کیا رہے گا سیم. تو اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہو اس کا ٹائم پیریڈ کا فارمولا کیا ہوگا تو میں بتا دوں کہ آخری چیپٹر کے اندر اس کو ڈرائیو کریں گے, میتھمیٹیکلی پروف ہے اس کا. اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا 2 پائی انٹو انڈر روٹ آف ایم ڈیوائڈیڈ بائی کے, ویئر ایم از دی بلاک, بلاک کا ماس, اینڈ کے از دی اسپرنگ کانسٹنٹ. پر یہ کہاں سے آیا میں آج نہیں بتا سکتا, بڑی لمبی اسٹوری ہے, پیریوڈک موشن کی اسٹوری ہے. ہاں یاد کر لو E = 2π under root of m by k. اور ایک اور ہوتا ہے ویوز, ویوز کی باری ہوتی ہے تو فائنل ایگزام شروع ہونے والے ٹائم ہو جاتا ہے. یہ تین چیپٹر ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا جن میں اسٹوڈینٹس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنے کا. بٹ اب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوشچن پوچھوں اس کے اوپر. اگر سپوز میں اس کو اسکوائرنگ کر دوں, ٹی اسکوائر 4 پائی اسکوائر ایم بائی کے, کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کانسٹنٹ ہے, یہ کانسٹنٹ ہے. اگر میں ٹی اسکوائر کا اینڈ ماس کا گراف پلاٹ کروں, الگ الگ ماسز پٹ کروں پین کے اوپر,
अलग अलग टाइम पीरियड आएगा तो ग्राफ क्या आएगा? टी स्क्वायर एंड मास का ग्राफ प्लॉट करना है, वेयर टी स्क्वायर इज 4π² के और एम, क्या आएगा? पैराबोला। ओके, तो फिर बताओ टी और एम का क्या आएगा? देखो ये क्वेश्चन नॉर्मली वैसे मैथ्स वालों के लिए है, मेडिकल वालों के लिए नहीं है। जैसे अगर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई तो ग्राफ एक लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई तो ग्राफ क्या आएगा? पैराबोला आएगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैंने पूछा कि अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करूं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करूं तो ठीक है मेरा ग्राफ को स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन में, मेरी ऊपर वाली इक्वेशन नहीं है, मैं इसको देखते हुए ये पूछूं कि x और y का क्या ग्राफ है, तो ये एक ग्राफ क्या आएगा? पैराबोला आएगा, क्योंकि x स्क्वायर है और यहां से y। लेकिन अगर मैं x स्क्वायर और y का ग्राफ पूछूं तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। x स्क्वायर और y का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। हाँ, अगर तो मैं टी और एम का ग्राफ प्लॉट करूं, हाँ, फिर तो आप मुझे बोलो कि ग्राफ क्या बनेगा? एक पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक की पावर स्क्वायर में एक की पावर वन में है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेट से टी स्क्वायर को एक नया नाम दे दो वाई, और वाई इज सम कॉन्स्टेंट इन टू एम, तो मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं ना कि वाई और एम का ग्राफ प्लॉट करो, वाई और एम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। टी स्क्वायर और एम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन टी और एम का ग्राफ क्या बनेगा? एक पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अच्छा चलो, नहीं समझ आता ना घर जाना, एक ग्राफ पेपर ले जाना ग्रीन कलर का, 10th क्लास वाला, ठीक। वाई और 11th में भी होता है ग्राफ पेपर, 10th में तो आता है ना पेपर में कुछ ऐसा। तो चलो एक चार्ट बना लेना इसको देखते हुए कि चलो कोई भी एक वैल्यू ले लो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एम, एक ग्राफ प्लॉट करना टी और एम का, एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेना, और एक ग्राफ प्लॉट करना टी स्क्वायर और एम का, अपने आप पता लग जाएगा टी स्क्वायर और एम स्ट्रेट लाइन है, टी और एम पैराबोला। चलो मैंने आपको ये बता दिया, क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, क्वेश्चन थोड़ा ये पूछा मैंने कि बताओ कि ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम, मैं अज्यूम करके चलता हूं आपको मालूम है कि टी स्क्वायर और एम का ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टी स्क्वायर इज 4π² के एम बन गया। मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन स्टार्ट है यहां से, अज्यूमिंग कि ये सब आपको आता है, क्वेश्चन तो बना, क्वेश्चन है मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं टी स्क्वायर और एम का, मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऊपर से पास हो गई, स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऊपर से पास हो गई, ठीक है यहां तक। अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर से पास हो गई तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से पास नहीं हुई, हिल रहा था, अच्छा कि उसमें, चलो वो पहले नहीं हिल रहा, मास ऑफ दी, ओके मास ऑफ द ब्लॉक जीरो नहीं होगा वो कह रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ मास, तो अगर वो नहीं भी हिल रहा, टाइम पीरियड जीरो, तो भी ब्लॉक का कुछ ना कुछ, सॉरी इसमें मास की वैल्यू जीरो, ऐसा करते हैं इसका एक्सिस चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं ये टी स्क्वायर ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं? मास एम। अब ठीक है, तो एक टी स्क्वायर लिया, एक एम ले लिया, अब टाइम की वैल्यू जीरो है तो मास की अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो इसमें एग्जिस्ट कर ही रही है, यही है ना इसका मतलब, कि मैंने टाइम पीरियड जीरो का मतलब मैंने हिलाया नहीं, वो हिला नहीं, लेकिन इसका मतलब अभी भी मास आ रहा है, बोलो एम जी इक्वल होता है वो, तो वो तो मैंने उसको फोर्स जबरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की ना, हमने वर्क एनर्जी पार में कभी हिलाया नहीं ना, हमने छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन की ना mg = kx, इसमें इक्वल था, मैंने जाके हिला दिया, अब वो हिल रहा है, तो उसमें ये ग्राफ प्लॉट होता है। तो देखो इसका जो ऑप्शन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बुक्स में पढ़ोगे, इसमें ये ऑप्शन है कि हेयर मास, मास
of pan is not equal to zero. Mass of pan लेना है. देखो अगर mass of pan लेंगे तो time period क्या बनेगा, 2 pi under root of क्या, m तो है ही है, मान लो mass of pan कितना है, m not divided by k. क्या फर्क होगा, अगर pan नहीं है तो m by k, सिर्फ block का mass है, लेकिन अगर pan का mass भी लेना है तो m plus m not by k, इसमें कोई problem नहीं है किसी को. और अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करता हूं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू एम प्लस एम नॉट हो जाएगा, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर के इंटू एम प्लस फोर पाई स्क्वायर के इंटू एम नॉट हो जाएगा. ठीक है ना, यहां तक ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट हो रहा है, टी स्क्वायर और एम के बीच में, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, मास ऑफ पैन कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, फोर पाई कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मास ऑफ पैन चेंज नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ क्या चीज चेंज हो सकती है, ब्लॉक का मास चेंज हो सकता है m. तो वेरिएबल इसमें कौन है, दो, एक टाइम पीरियड, ब्लॉक का मास m चेंज करते जाओ, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. ठीक, ये क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आएगा. देखो तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैथ्स वालों ने एक इक्वेशन की हुई है, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है ना, तो इसमें टी स्क्वायर का मतलब y, दूसरा वेरिएबल क्या है x, और मेरा वेरिएबल कौन है m, ये क्या बन जाएगी इसकी स्लोप, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, मेरा ग्राफ, मेरे ग्राफ में एक इंटरसेप्ट आया, मैथमेटिकली प्रूव करके इंटरसेप्ट आया, और अगर ये इंटरसेप्ट आया तो वो इंटरसेप्ट आपको ग्राफ में दिखाया गया. उस इंटरसेप्ट में आपको ग्राफ में कुछ ऐसा दिखाया गया कि अगर आप सपोज मैंने वो चेंज किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक्सिस यहां से देख के ज्यादा बेटर बन जाएंगे, इसको टी स्क्वायर ही रहने दो, इसको एम रहने दो. वो क्यों, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर मैं एम को जीरो भी पुट करता हूं, एम को जीरो भी पुट करता हूं तो भी टी की कोई ना कोई वैल्यू तो है, तो भी टी की कोई ना कोई वैल्यू तो है, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फोर पाई स्क्वायर के टाइम्स एम नॉट. पॉइंट क्लियर है ना था यहां तक, कि जब मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं, जिनके पास मैथ्स है समझ सकते हैं, कि अगर मैंने एम को जीरो पुट किया तो भी टाइम पीरियड है, और ऐसा तब होगा जब पैन का मास नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ मास है तभी तो टाइम पीरियड आ रहा है. तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन होगा, आपको ये ग्राफ देगा, इस ग्राफ में देखते हुए ये पूछेगा कि ये ग्राफ को ओरिजिन ना चाहिए था, क्यों नहीं पास हो रहा, तो उसमें एक ऑप्शन कि मास ऑफ द पैन इज नॉट निग्लेक्टेड. तो अगर नॉट निग्लेक्टेड है तो मैं आपको ये रीजन दे रहा हूं कि अगर निग्लेक्ट नहीं करोगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाओगे. क्लियर है? और सोचो अगर मास ऑफ द पैन इज निग्लेक्टेड, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, नहीं लेना, तो ठीक है, टी स्क्वायर और एम के बीच में ग्राफ कहां से पास करेगा, फ्रॉम ओरिजिन, ऑटोमेटिकली ओरिजिन से. पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये बात सबको समझ आ रही है? मेडिकल में नहीं आएगा, डोंट वरी, समझ आ गई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी छोड़ दो. ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रेशर. प्रेशर में एक चीज सुन लो, अगर दो लिक्विड्स हैं, वॉल्यूम वी वन वी टू, डेंसिटीज रो वन रो टू, एंड दे आर मिक्सड, तो मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी वी वन रो वन वी टू रो टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. ऐसे होता है ना, अगर दो लिक्विड रो वन वी वन है और रो टू वी टू है, तो टोटल मास क्या होगा, पहले लिक्विड का मास कितना है इतना, दूसरे का इतना, और टोटल वॉल्यूम कितना है, वी वन प्लस वी टू. कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? इसमें तो कुछ है ही नहीं, टोटल मास निकाल लिया और टोटल वॉल्यूम निकाल दिया और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड. ठीक है यहां तक, पहला पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है, ठीक है ना, यहां पर नेक्स्ट है, अगर दो डेंसिटी है रो वन रो टू, मास लिक्विड का सेम है, मास सेम है,
तो उस केस में डेंसिटी क्या होगी मिक्सचर की? डेंसिटी मिक्सचर की क्या होती है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और टोटल मास क्या होगा? एम प्लस एम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? एम अपॉन रो वन एम अपॉन रो टू। सॉल्व कर लो, टू रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू आंसर। ये तो याद यूज करना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ बुक्स में शॉर्टकट ऐसे क्यों है, कुछ भी नहीं करना। अगर मास सेम है तो 2m टोटल मास है और टोटल वॉल्यूम निकाल लेना। मास और डेंसिटी से वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेट। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ वो आपके ग्रेविटेशन के बुकलेट में था। बहुत सारे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड थे, पर मैंने ग्रेविटेशन में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमने अब थ्रस्ट के बारे में स्टडी नहीं किया था, मैं अब करवा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज एग्जांपल करने से पहले फिर से एक बार सुन लो कि अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम का बॉब का मास एम है और पेंडुलम हवा में स्विंग कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, और पेंडुलम की लेंथ है वो कितनी है? एल है। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, पेंडुलम का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना और वापस आना। लेट से टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, पेंडुलम फिर गया वापस आया, टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, फिर गया वापस आया कैपिटल टी। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये भी एक पीरियोडिक मोशन होती है, पेंडुलम भी एसएचएम में होता है, पर चलो एसएचएम वर्ड नाम नहीं यूज करते। तो अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो तो शायद आपने फॉर्मूला जरूर सुना होगा, 2π√L/2 सुना होगा, पर एग्जैक्टली ये कहां से आया, क्या इसका प्रूफ है, ये पीरियोडिक मोशन में स्टडी करेंगे अभी नहीं। तो ये याद कर लो, अगर पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√L/2। और टाइम पीरियड क्या होता है? जाना और आना, उसका टाइम, ठीक है। और ये पेंडुलम किस में स्विंग कर रहा है? एयर में, ठीक। अब क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है जिसका जो मास है या पेंडुलम की जो डेंसिटी है वो रो है, और पेंडुलम एक लिक्विड में ऑसिलेट कर रहा है, लिक्विड में मूव कर रहा है, लिक्विड में, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा है। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल क्लियर है। तो इस केस में मुझे ये बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ है, मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी।
इसका आंसर आया, यार एल भाई जी पे बैठे हो यार, लगा दो अब तो सुपर लगाओ, थोड़ा सा भार कम करो यार, कम सबसे पहली चीज जो इसमें चेंज होगी वो क्या होगी, बॉडी का वेट, भार कम हो जाएगा। तो एक चीज बताओ कि अगर ये बॉब है, स्ट्रिंग का तो मास ही नहीं है, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, मान लो इस रो गिवन है पर वॉल्यूम वॉल्यूम मास मोस कुछ नहीं गिवन। अब सपोज करो ये अगर लिक्विड में आ गया ऑफ सिग्मा, तो इसका वेट था कितना हवा में, मान लो एक मिनट के लिए एज्यूम कर रहा हूं इसका वॉल्यूम वी है, तो वी रो जी इसका एक्चुअल वेट है, वी रो जी वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो बॉडी का वेट आ गया, लेकिन लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा, अब थ्रस्ट कितना, v इंटू सिग्मा इंटू जी, सिंपल ठीक बोल रहा हूं ना यहां तक, क्योंकि अब थ्रस्ट के अंदर किसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, अब थ्रस्ट के अंदर लिक्विड की डेंसिटी, कोई डाउट इसमें, ये चीज क्लियर है। बॉडी का न्यू वेट या फिर एपरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट में से किसको माइनस कर दें, अब थ्रस्ट, सही आता, कोई डाउट है इसमें, सही है ना। वेट क्या होता है, मास इनटू जी, मास चेंज नहीं होता चाहे पानी के अंदर हो चाहे हवा के अंदर हो, एम विल रिमेन, और वेट क्या होता है, मास इनटू जी, ऑब्वियसली किसको चेंज होना पड़ा, जी डैश, यानी कि पानी के अंदर जी नहीं रहेगी वैल्यू, पानी के अंदर जी डैश हो जाएगी, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, वेट मुझे चेंज करना ही करना है, तो मुझे किसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ी, जी डैश इज इक्वल टू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, डाउट इसमें, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना कि पानी के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, एनी डाउट। नेक्स्ट, जो आपका मास है इसमें, मास का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी डैश, वी रो जी, वी सिग्मा जी, वी 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 कैंसल, जी डैश की वैल्यू आ गई रो माइनस सिग्मा इनटू जी अपॉन रो, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, जी डैश, एनी डाउट। तो लिक्विड के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी जो कि मैंने निकाल दी, ठीक है ना यहां तक। तो मुझे एक चीज पता है क्या, कि जो टाइम पीरियड होता है वो वैसे तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है, पर क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो गई पानी के अंदर, तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया चेंज, तो फाइनल आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी डैश की जगह क्या लिखेंगे, रो सिग्मा जी रो, आंसर, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। तो जी डैश की वैल्यू एज इट इज मैंने पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया। टाइप का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्लियर है अमन, ओके। नेक्स्ट लिखो,
नेक्स्ट टाइप देखो, सपोज क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में आया हुआ है, क्या व्हेन आइस इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, जरूरी नहीं है कि पानी हो, किसी लिक्विड में, तो उस केस में अगर आइस मेल्ट कर जाए, मान लो ये केस है, ये लिक्विड है और ये आपकी आइस है, ऐसे फ्लोट कर रही है, गिवन है, ऐसे डायग्राम गिवन है, आइस नॉर्मली ऐसे फ्लोट नहीं करती ना, कुछ ऊपर कुछ नीचे, आइस अंदर रहती है पानी के, ये किसी भी लिक्विड के नॉर्मली इनसाइड रहती है, तो उस केस में ये केस है, आइस पिघल गई, लेवल ऑफ द वाटर बताओ बड़ा कम हुआ कि सेम है, आइस किसमें मिक्स की थी, ठीक है, पानी के अंदर तो सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने किया हुआ एक्सपेरिमेंट, चलो देखो इसके तीन केस है, सुनो ध्यान से सुनो, अब एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकली नहीं, देखो तीन केस है, पानी का लेवल सेम भी रह सकता है, पानी का लेवल बढ़ भी सकता है, पानी का लेवल गिर भी सकता है, देखिए तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बुक में सीक्वेंस में गिवन है, और एकदम स्टूडेंट जब एक पढ़ता है उसको ना कहीं कहीं लोगों को ना ऑब्जेक्टिव याद करने की आदत है, हाँ यार पढ़ लिया ठीक है, वो जैसे ही बच्चा सोचता है कि यार ठीक है सेम रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है वो सेम क्वेश्चन होगा, एक लाइन का फर्क नहीं एक्सेप्ट डेंसिटीज, तो होगा क्या उसमें गिवन होगा कि जो लिक्विड का लेवल है वो इंक्रीज हो गया, तीसरा क्वेश्चन पढ़ता है उसमें लिखा होगा लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो गया, अब समझ में नहीं आती ऐसा कैसे हो गया, इसको हम करते हैं ठीक, तीन केस कैसे और कैसे पता लगेगा मेरे क्वेश्चन में कब लेवल गिराना है, कब सेम रखना है और कब उठाना है, तो उसका केस है, सपोज करो कि लेवल ऑफ वाटर यहां पर एक्स है, लेवल ऑफ वाटर यहां पर एक्स है, और मान लो एक मिनट के लिए कि सेम कंटेनर है आइस का, एंड मान लो लेवल ऊपर उठ गया, मैं एज्यूम कर रहा हूं ऊपर उठ गया, जरूरी नहीं ऊपर उठ गया, अपने सिर्फ प्रूफ करने के लिए, मान लो कि लेवल एक्स की बजाय कहां पर आ गया, वाई लेवल पे आ गया, और मान लो एक मिनट के लिए रेड कलर की जो आइस है वो मेल्ट हुई, तो ये आइस का पानी है, वाटर है वाटर ठीक, और लिक्विड की डेंसिटी रो है, ये रो है, लेकिन याद रहे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने बड़ा सिंपल डायग्राम बनाया जिसमें मैं ये शो कर रहा हूं जब आइस मेल्ट हुई रेड कलर में, तो मेल्ट होके उसका क्या बन गया, पानी, वाटर, पानी बन गया, वाटर बन गया, और मैंने एक ऐसा लिक्विड लिया है या मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया है जिसमें पानी मिक्स नहीं हुआ लिक्विड में, ताकि आपको एकदम क्लियरली नजर आए कि ये जो रेड कलर में है दिस इज वाटर, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ सम लिक्विड, क्लियर, वैसे हो सकता है कि पानी मिक्स हो जाए लिक्विड के अंदर, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट मैं ऐसा लेना नहीं चाहता ताकि आपको एकदम क्लियर नजर आए कि मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा क्या, मान लिया एक मिनट के लिए अजम्पशन, डोंट वरी एंड में कोई भी केस लोगे, मिक्स हो ना हो सबके लिए रिजल्ट सेम रहेगा ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, आपने ये केस एज्यूम कर लिया, अब जब सपोज करो मैं एक्स मार्क की बात कर रहा हूं, जब लिक्विड किस मार्क पे था, एक्स मार्क पे था, मान लो एक मिनट के लिए कि अगर आइस का वॉल्यूम वी था तो लिक्विड का वॉल्यूम भी कितना रहेगा, वी, और फ्लोटिंग का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है क्या कि वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द आइस, तैर रही है ना आइस, तैर रही है, अगर तैर रही है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द वॉटर, तो वेट ऑफ लिक्विड बोलो क्या होगा, v डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो सिग्मा इनटू g, ठीक है ना, तो वेट ऑफ लिक्विड में लिक्विड की डेंसिटी, और होल वेट के अंदर हम क्या करते हैं, होल वेट के अंदर हम mg ले लेते हैं, मान लो इसका मास कितना है m, और m इनटू g ले लो, वैसे इसको v इनटू
डेंसिटी ऑफ आइस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप एम इन टू जी ले लो तो भी सही है, याद तक क्लियर है। वेयर एज्यूम कर लेते हैं, चलो एम इज द मास ऑफ द आइस, कोई डाउट इसमें? तो आइस का मास कितना एज्यूम किया मैंने, एम। यहां से जी कैंसल, तो आपके पास वी की वैल्यू आ गई यहां पर कितनी, एम डिवाइडेड बाय सिग्मा। यहां तक कोई डाउट? सॉरी यहां पर मैंने डेंसिटी गलत लिख दी, यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए रो, और यहां पर भी क्या लिखना चाहिए, यहां पर ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें? इसको संभाल के रख लो एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगाया। अब सपोज करो, अब सपोज करते हैं कि मैं किस मार्क की बात कर रहा हूं, वाई। तो अगर मैं वाई की बात कर रहा हूं तो उस केस में जब वाई मार्क बना, जैसे ऊपर हो गया थोड़ा सा ये रेड कलर में आपका पानी आ गया था यहां पर, इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है रो। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस रेड कलर का जो वाटर आया इसका वॉल्यूम कितना है वी, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास एम, जितना आइस का मास था उतना ही पानी का मास है, मास तो कभी चेंज नहीं होता, एम की वैल्यू रिमेन सेम, चीज पिघल जाएगी नहीं पिघलेगी, एम नहीं चेंज होगा, चेंज इसमें क्या हो रहा है, यहां पर क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वॉटर, क्योंकि मैं इस रेड कलर के पानी का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, और रेड कलर के जो पानी का वॉल्यूम आएगा वो मास ऑफ वॉटर जो इकट्ठा हुआ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर होगा। ये पॉइंट क्लियर है, ये चीज क्लियर है? देखो इन शॉर्ट मैं एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, ये आइस लेके आया और मैं एक सपोज खाली कंटेनर लेके खड़ा हुआ था, इसका आइस का मास एम था और आइस पिघल गई, पिघल के इसने मेरे को पानी दे दिया, तो पानी का मास भी क्या रहेगा, सेम एम रहेगा। अगर मान लो एक मिनट के लिए आइस की डेंसिटी रो थी, पानी की डेंसिटी भी रो है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी हम दोनों के पास क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर सोचो कि आइस की डेंसिटी तो रो वन थी, पानी की डेंसिटी रो टू है, तो फिर वॉल्यूम कैसे सेम रहेगा, तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, चेंज। तो इसीलिए आइस जो है उसका वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम डिफर कर गया, क्यों डिफर कर गया, क्योंकि डेंसिटी दोनों की डिफरेंट रही होगी, यहां तक क्लियर है? तो उस केस से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, वी डैश की वैल्यू आ गई, और v की क्या वैल्यू आई थी मेरे पास शुरू में, m डिवाइडेड बाय रो, रो का मतलब किसकी डेंसिटी, लिक्विड की, यहां पर ये किसकी डेंसिटी, वाटर की, ठीक। अब दो मिनट केस एज्यूम करो, केस नंबर वन, इफ रो इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर, रो का मतलब कि अगर लिक्विड की डेंसिटी जिसमें आइस को गिरना है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, मान लो कि आपने एक ऐसा लिक्विड लिया जिसमें आइस को गिरना है जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो मुझे एक चीज बताओ उस केस में ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, अगर डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा है, ऐसी इस केस में अगर रो ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा इसमें, कम होगा। इसका मतलब ऐसे केस में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वी डैश इज ग्रेटर देन वी, वी डैश ग्रेटर देन वी, मतलब कि आइस को पिघल के अगर वॉल्यूम वी देना था, आइस ने वॉल्यूम वी नहीं दिया, आइस ने पिघल के वॉल्यूम कितना दे दिया, वी डैश, पानी का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली लेवल क्या हो जाएगा, पानी का ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट सबको क्लियर है? फिर ये तो क्लियर है ना, इसका मतलब है आइस का वॉल्यूम, इसका मतलब है पानी का वॉल्यूम, अगर पानी और आइस का वॉल्यूम सेम है पिघलने के बाद, पिघलने के पहले, फिर लेवल में कोई फर्क नहीं, केस नंबर वन। अगर कि अगर सपोज करो वी डैश ज्यादा हो गया, पिघलने के बाद पानी ज्यादा बन गया, वी डैश ज्यादा बन गया, आइस का वॉल्यूम कम था, तो लेवल ऊपर उठ जाएगा। और तीसरा केस, अगर पिघलने के बाद पानी का मेरे को कम दे रहे हो, आइस का वॉल्यूम ज्यादा था, तो जब आइस तैर रही है तो लेवल नीचे था, और उस केस में क्या होगा, सॉरी अगर पिघलने के बाद वॉल्यूम कम हो गया तो लेवल बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा, पिघलने के बाद अगर वी डैश कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि लेवल नीचे गिर जाएगा, पानी कम हो गया इसका मतलब लेवल नीचे गिर गया, तो तीन ही केस बने। बात समझ में आ रही है? इसको अगर ऐसे नहीं करना ना, एक सिंपल तरीके से कर लेते हैं,
मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा आइस से, और जब आइस पिघल जाएगी तो पिघले हुए पानी से ही एक्सपेरिमेंट करेगा। मैंने आइस को डाला, पानी में लेवल एक्स था, वॉल्यूम वी था आइस का, डेंसिटी रो कुछ भी थी। अब सपोज करो जब आइस पिघल गई, पिघले हुए पानी का वॉल्यूम भी वी है, तो अगर ये एक्सपेरिमेंट करेगा वी वॉल्यूम से, तो पानी का लेवल विल रिमेन सेम। क्या फर्क पड़ता है, आइस डुबो दो, पानी मिक्स कर दो, वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है, तो लेवल चेंज नहीं होगा। अब इमेजिन करो आइस का वॉल्यूम वी था, 10 था, पानी पिघल, पानी बन गया उसका पिघल के, और पिघले हुए पानी का वॉल्यूम 12 हो गया। अब सोचो आइस का वॉल्यूम तो 10 था, वो तो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी, पानी ज्यादा करेगा तो लेवल क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज, पानी ज्यादा बन जाएगा कंटेनर में, लेवल बढ़ गया। और तीसरा केस कि अगर पानी का वॉल्यूम कम हो गया, आइस का वॉल्यूम ज्यादा था, तो लेवल कम हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, बस मैं मैथ की हेल्प से कह रहा हूं सेम चीज। क्या कि अगर सपोज करो, सपोज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वॉटर, तो उस केस में मैथमेटिकली वी डैश इज ग्रेटर देन वी। वी डैश का मतलब वॉटर का वॉल्यूम ज्यादा बन गया एज कंपेयर टू आइस का वॉल्यूम, उस केस में लेवल बढ़ जाएगा। ठीक बोल रहा हूं ना, लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड केस है रो इज लेस देन रो वॉटर, जो लिक्विड का डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, तो मैथमेटिकली वी डैश विल बी लेस देन वी। पिछली इक्वेशन में वी का मतलब था एम बाय रो, वी डैश का मतलब था एम बाय ए। और मैं ये केस डिस्कस कर रहा हूं कि पानी की डेंसिटी बड़ी है और इसकी डेंसिटी कम है, तो ये ज्यादा है और ये कम है, यानी कि वी डैश इज लेस देन वी। इसका मतलब कि जो वी है, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या, आइस, वी डैश का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉटर। पानी का लेवल, पानी का वॉल्यूम कम हो गया ना इस केस में, पानी का वॉल्यूम कम हो गया तो लेवल विल डिक्रीज। और लास्ट केस है अगर पानी का वॉल्यूम और आइस का वॉल्यूम सेम है, क्या फर्क पड़ता है, लेवल विल रिमेन। इसमें लेवल डिक्रीज होगा, पहले वाले में लेवल इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है, इसमें क्या लॉजिक लगाना है आपने, ऐसे ही लिख देना डिक्रीज इंक्रीज। और कम से कम नहीं तो दो तीन बार आया हुआ क्वेश्चन है, पीएमटी में भी आया हुआ है, AIEEE में भी आया हुआ है, और ये IIT में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, IIT वाले क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते होते, ऐसा ही कुछ दे देगा आपको नया क्वेश्चन, बट तरीका सेम रहेगा। मतलब आपको दिमाग लगा रहा है कि आइस का जो वॉल्यूम होगा वो पिघल के कहीं पानी का वॉल्यूम बढ़ तो नहीं गया, अगर पानी का गया तो समझो लेवल बढ़ी गया फिर, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फिर लिख लो।
कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये एक टैंक ऑफ वाटर है, पानी का भरा हुआ टैंक है जो एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पीवी माइनस पी ए बताना। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मान लो ये कंटेनर है, ये लो लिक्विड है, सपोज एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ए पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है, और ये भी मान लो ये जो हाइट है वो एच है, ठीक। ए पॉइंट के ऊपर सपोज पी ए प्रेशर है, और मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर इसकी लिक्विड से हाइट अगर एच वन है, दो मिनट के लिए अज्यूम करते हैं, तो बोलो पी ए की वैल्यू क्या होगी, एच पी एटीएम प्लस एच वन रो जी, ठीक बोल रहा है ये? कोई और आंसर लिखना किसी ने? प्रेशर लगा रहे एच वन रोजी प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह पर लगेगा ही लगेगा, बताया था ना। और मैं प्रेशर डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं प्रेशर एट पॉइंट ए पूछ रहा हूं। और उसी तरीके से अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट बी पूछूं पी ऑफ बी, तो बोलो क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच प्लस एच वन इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू, समझ आ गए यहां तक। लेकिन अगर मैं प्रेशर डिफरेंस पूछूं, मतलब पी बी माइनस पी ए, अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, एच। पता ही है मुझे कि दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, एच रो जी, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना। तो अब एक चीज क्लियर है, किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालना हो तो उसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो आने ही आने, प्लस हाइट की वजह से प्रेशर, सही, ठीक है ना। इसका मतलब वर्टिकल है, वर्टिकल में क्या एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है जी, और ये एक्सेलरेशन की वजह से प्रेशर है, ग्रेविटी की वजह से प्रेशर है, तभी तो प्रेशर डिफरेंस के अंदर क्या टर्म आ रही है, जी, जी का मतलब एक्सेलरेशन मैटर्स, याद है, क्लियर है। अभी काम करते, मैं इस कंटेनर को इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूं ए, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैं ये बोलता हूं इनके बीच में डिफरेंस एल है। तो मुझे बताओ ये टैंक है पानी का, ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या बी पॉइंट पे प्रेशर, पहले ये डिसाइड करते हैं, ए पे, वो क्यों, सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये टैंक आगे मूव करेगा, और सोचो मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं, ए पॉइंट पर, पानी पानी है कंटेनर के अंदर, अगर ये रूम ए के साथ उधर मूव करेगा तो सारा पानी मेरे ऊपर आगे गिरेगा बाय सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की वजह से पानी पीछे जाएगा, यानी कि ए पॉइंट पर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन बी पॉइंट का प्रेशर, क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं कहूं प्रेशर डिफरेंस निकालो मुझे इनके ऊपर, प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में
वर्टिकल अगर डिस्टेंस हो तो एच रो जी इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल में जी तो होती नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन कितनी है एक, तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में एल, एच की जगह एल, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ए। वर्टिकल में जी होता है, हॉरिजॉन्टल में अगर ए है तो प्रेशर डिफरेंस होगा। नॉर्मली हमने ऐसा कभी सुना ही नहीं, क्योंकि हम कौन सा वाटर को कंटेनर में हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करवाते उसका ए नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना यहां तक, ठीक यहां तक। लेकिन ये तभी होगा व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, नहीं तो नहीं होगा। वापस क्वेश्चन पे आ जाएं, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे पीबी माइनस पीए निकालना है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, पी सी माइनस पी ए क्या होगा, ये रहा एल रो ए, और अब मुझे बताओ कि पी बी का प्रेशर पी सी से ज्यादा होगा मानते हो, और इनके बीच में डिस्टेंस एच है, तो पी बी माइनस पी सी क्या होगा, एच रो जी। ठीक, एक काम करो इसमें इन दोनों को ऐड करो तो सही बात है, ऐड करोगे पीसी पीसी कैंसर, क्या आएगा पी बी माइनस पी आंसर, जो भी आएगा बस फाइनल आंसर है, आंसर आ रहा है एच रो जी प्लस एल रो ए, कोई डाउट इसमें, सही है ना यहां तक। तो यानी कि अब हमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर के बारे में पता लग गया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं फिर, सपोज कंटेनर लिक्विड क्यूब कॉइन एल एंड एच। क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, लिक्विड में एक क्यूबिकल बॉडी फ्लोट कर रही है और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक क्वाइन पड़ा हुआ है, तो क्यूब की कितना डिस्टेंस का इस लिक्विड में एल, और लिक्विड की हाइट कितनी है एच। ठीक, गिवन है, सपोज क्वाइन नीचे गिर गया, लिक्विड में क्वाइन नीचे गिर गया, तो बताओ एल का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एच का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पहले एल के बारे में बताओ, कितने लोग डिक्रीज, एल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो एच क्या होगा, सेम रहेगा। देखो कैसे, इसका आंसर है डिक्रीज। ये आईआईटी में हुआ क्वेश्चन है तो छोटा सा, पर वो फंसाएंगे हमेशा। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एल का तो बिल्कुल क्लियर है, कॉइन नीचे गिर गया, जो क्यूब है वो थोड़ा सा हवा में आ गया, ऊपर आ गया, तो एल तो डिक्रीज हो गया। अब एच देखे लेवल ऑफ वाटर को क्या हुआ, देखो सपोज कॉइन पहले क्यूब के ऊपर था, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कॉइन ऊपर है, सिर्फ ये बताओ कि क्या वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है अगर ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसा करते हैं इसके ऊपर 100 टन कॉइन्स रख दो, 100 टन 10 किलो 15 किलो, उसमें कौन सा पॉइंट डिस्प्लेस करना है, करता है इसका मतलब जरूर बैठा हुआ है, पर अपना वेट तो लगा रहा है क्यूब के ऊपर, भार तो लगा रहा है, अपने भार जितना वेट जितना पॉइंट तो डिस्प्लेस कर ही रहा है, अब कर रहा है। ठीक है ना, तो जो लोग नहीं बोल रहे थे वो अपना आंसर चेंज कर लें। इट मींस कि अगर कॉइन हवा में है तो वो वाटर डिस्प्लेस करता है, और कितना करता है, जितना उसका अपना
वेट है। क्लियर? एक केस क्लियर हो गया। अब एक काम करो, कॉइन को नीचे गिरने दो, पानी में गया, चला गया। अब जो कॉइन है पानी डिस्प्लेस करेगा कितना? अपने वॉल्यूम जितना, अपने वॉल्यूम जितना। ये ध्यान से, पानी डिस्प्लेस करेगा अपने वेट जितना नहीं करेगा, अब अपने वॉल्यूम जितना करेगा। कोई डाउट इसमें? कॉइन का वॉल्यूम वी तो पानी का वॉल्यूम भी वी। कॉइन पानी जो डिस्प्लेस करता है, अगर उसका वेट निकाला जाए तो अपथ्रस्ट के इक्वल होता है, उसके वेट के इक्वल थोड़ा ना होता है। जब बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड होती है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड नॉट इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। ठीक है ना? अपने वॉल्यूम के इक्वल करेगा, मानते हो ये चीज? अब मुझे एक चीज बताओ, पहले इसका मतलब वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा था, क्यों? क्योंकि अपने वेट के इक्वल, यानी कि वी इंटू रो जी के इक्वल। अब कितना डिस्प्लेस कर रहा है? जितना उसका वी है। और वी भी क्यों है? अब कितना डिस्प्लेस कर रहा है? मान लो क्वाइन अगर पानी में चला गया, क्वाइन अगर पानी में चला गया तो वॉल्यूम जितना क्वाइन का उतना लिक्विड का, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और पहले कितना कर रहा था? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। पहले अपने वेट, पहले ये क्या चीज है? वेट ऑफ दी बॉडी, पहले वेट ऑफ दी बॉडी। अब क्या है? वेट ऑफ लिक्विड। पानी तो दोनों में डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन जब हवा में बैठा हुआ है अपने वेट जितना कर रहा है, और जब पानी में चला गया तो अपथ्रस्ट जितना कर रहा है। वेट बड़ा होता है कि अपथ्रस्ट बड़ा होता है? वेट बड़ा होता है। यानी कि पहले वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा था, अब वो कम करेगा, तो ऑब्वियसली लेवल क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा। लेवल तो कम हो गई क्योंकि अब वो कम पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तो लेवल गिर जाएगा। पहले अगर ज्यादा करेगा तो लेवल उतना ही उठ जाएगा। क्लियर है आपको? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना?
सिलेक्शन होगी, पक्का होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज एक क्यूब है, क्यूब फ्लोट कर रहा था, नीचे स्प्रिंग है ऑफ कांस्टेंट के, क्यूब का ऊपर और नीचे जो लेंथ है वो एल बाई टू एंड एल बाई टू था। यार अदर ये भी नहीं गिवन, छोड़ दो इसे, मैं आपको और कॉम्प्लिकेटेड करके देता हूं। आपको ये गिवन है कि जो क्यूब है उसकी लेंथ एल है एंड डेंसिटी रो है, एंड जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी टू रो है। ठीक है, यहां तक नो डाउट, इसमें गिवन है ये। आगे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, क्वेश्चन है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या करूं, ये मेरा क्यूब है फिर से जो नीचे इमर्स हो गया, क्यों इमर्स हो गया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डब्ल्यू वेट रख दिया और स्प्रिंग कंप्रेस हो गया की, और क्यूब पूरे का पूरा इमर्स हो गया, एल लेंथ पूरी इमर्स हो गई। ठीक, आपको यह बताना है कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, मैंने कितना वेट रखा यह आपको बता। क्वेश्चन ये है, पहले क्यूब तैर रहा था सच दैट उसका कुछ पोर्शन हवा में, कुछ पोर्शन पानी में, ठीक, या लिक्विड में। लिक्विड की डेंसिटी मैंने आपको बता दी टू रो, क्यूब की डेंसिटी मैंने आपको बता दी रो, फिर मैंने क्या किया, एक उसके ऊपर ब्लॉक कर दिया, क्यूब पूरी तरह इमर्स हो गया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो बताओ W की वैल्यू क्या थी। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये वेसल एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, इसीलिए इसके लेवल में फर्क है, इसीलिए इसके लेवल में फर्क है, सूडो फोर्स लग गई ना,
सारा पानी इकट्ठा हो गया पीछे की तरफ, तो पानी ऊपर राइज कर गया, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था, नहीं तो क्या होगा, पानी का लेवल विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना यहां तक? अब इस केस में मान लो एक मिनट के लिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए ही है। अब आप सोचोगे यहां की क्या जरूरत है, जरूरत है ना, इधर भी तो नीचे तो प्रेशर लगेगा, नहीं तो आज तक हमने यहां का प्रेशर तो कभी लिया ही नहीं ना, क्योंकि ये लिक्विड मूव ही नहीं करता। अब ये लिक्विड भी आगे पीछे मूव कर रहा है, तो मुझे एरिया देना पड़ेगा इसका भी, मतलब इसमें वर्टिकल प्रेशर भी होंगे और इसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी होंगे। और क्वेश्चन में सपोज ये लेंथ कितनी गिवन है, एल एल, और मान लो ये हाइट का डिफरेंस है एच वन, ये हाइट का डिफरेंस है एच टू। क्वेश्चन है फाइंड ए, क्या होगा, मतलब अगर मैं ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाऊं इस लिक्विड को और लिक्विड के लेवल एच वन और एच टू हो जाए, फाइंड मैंने कितनी एक्सेलरेशन से सिस्टम को मूव करवाया। डेंसिटी ले लो, डेंसिटी रो एज्यूम कर लो, वैसे डेंसिटी क्वेश्चन में अपना रोल प्ले कर नहीं रही मेरे ख्याल से, डेंसिटी रोल प्ले कर नहीं रही, पर लेनी है ले लो कोई बात नहीं, डेंसिटी रो नहीं मैं दूंगा नहीं डेंसिटी, क्योंकि आंसर में डेंसिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं इसका आंसर नोट करवा देता हूं, आंसर आएगा जी एच वन माइनस एच टू डिवाइडेड बाय एल, ये आंसर नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना यहां तक? और प्लीज रिक्वेस्ट है छुट्टी कोई ना मारे, ठीक है ना? हाँ, कॉम्पिटिशन में नहीं सिलेक्ट होना अगली बार बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीबीएसई का कुछ नहीं आना जो मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई को हो चुका जो होना था, तो सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को क्लास मीन आपका स्कूल है, कितने लोग